मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। चैप्टर नंबर 11 चल रहा है अपना किरण प्रकाश की, जिसमें अपन प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। और प्रिज्म से जो दो घटनाएं होती हैं, एक था प्रिज्म द्वारा विचलन, और दूसरा जो अपना टॉपिक है जो अपन आज पढ़ेंगे वो है प्रकाश का विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण। तो अपन विक्षेपण पढ़ेंगे आज, डिस्पर्जन ऑफ ए लाइट। क्लियर है? तो प्रकाश का विक्षेपण क्या होगा कि कोई भी प्रकाश है, देखो यहां पे श्वेत प्रकाश की अपन बात करेंगे, व्हाइट लाइट की बात करेंगे। श्वेत प्रकाश कौन सा होता है? जिसमें सभी प्रकार के रंग शामिल हों, मीन्स सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश है वो अपन क्या कहेंगे? श्वेत प्रकाश। में जब ऐसा प्रकाश जिसमें सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य वाले रंग उपस्थित हों वो क्या होगा? श्वेत प्रकाश होगा। क्लियर है? तो कोई प्रिज्म होगा, अगर उस प्रिज्म पर, जिसे मैं मान लो ये एक प्रिज्म ले रहा हूं, प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद है ये, ठीक है, ए बी सी। तो इस प्रिज्म की एक सतह पर श्वेत प्रकाश किरण आपतित करवाई जाए तो प्रिज्म द्वारा इस श्वेत प्रकाश का अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होने के बाद यह श्वेत प्रकाश सात मुख्य रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश की किरण का अपने अवयवी रंगों वाले प्रकाश किरणों में विभाजित होने की घटना को, विभक्त होने की घटना को ही क्या कहेंगे? प्रकाश का विक्षेपण। तो ये जो घटना हो रही है कि जब इस पे अपन श्वेत प्रकाश आपतित करवाते हैं तो यहां इस फलक के इधर पर्दे पर अपने को भिन्न भिन्न रंगों का एक व्यवस्थित प्रतिरूप, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये जो घटना हुई, ये घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का विक्षेपण। देखो कैसे होगा, ये एक प्रकाश किरण आपतित करवाई मैंने, ठीक है, इस प्रकार से ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, ठीक है। ये हो गई श्वेत प्रकाश किरण। तो क्या होगा, ये प्रकाश किरण यहां से अलग अलग रंगों में विभाजित होगी, तो इस प्रकार से एक व्यवस्थित प्रतिरूप में ये विभाजित हो जाती है। सात रंग होंगे, मुख्य रंग जो होते हैं इसके अवयवी वो सात होंगे इस प्रकार से। फिर इस सतह द्वारा इसका पुनः अपवर्तन होगा तो सघन से विरल में जाएगी, तो उस स्थिति में क्या होगा, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, मीन्स नीचे की तरफ झुक जाती है इस प्रकार से। ऐसे अपने को प्रकाश किरणों का एक प्रतिरूप प्राप्त होता है, ये देख सकते हैं आप इस प्रकार से, ठीक है। और ये व्यवस्थित प्रतिरूप है, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण के पश्चात प्रकाश के अवयवी रंगों का एक व्यवस्थित प्रतिरूप प्राप्त होता है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। इसका एक निश्चित क्रम होता है, मैं यहां कम से ज्यादा तरंग दैर्ध्य को लिख रहा हूं, इसको याद रखने का तरीका होता है विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर। ये होता है इसका क्रम, वोलेट, बैंगनी, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस प्रकार से अपने पास ये होता है, हिंदी में कहें तो इसको अपन वोलेट को बैंगनी, इंडिगो जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इस प्रकार से कलर होता है। और ये जो ऊपर से नीचे लेमडा घटते हुए क्रम में है और नीचे से ऊपर लेमडा बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। तो इस ये जो प्रक्रिया हुई यहां पर पर्दे पर अपने को जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, तो इस घटना को तो अपन कहेंगे प्रकाश का विक्षेपण, और इस पर्दे पर जो व्यवस्थित प्रतिरूप प्राप्त हुआ है उसे अपन कहेंगे स्पेक्ट्रम। क्लियर है? एक चीज तो ये, अब ये जो पदार्थ है इस प्रिज्म का, इस पदार्थ का कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा म्यू। ये म्यू भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों के लिए भिन्न भिन्न होता है, अर्थात अलग अलग तरंग दैर्ध्य लेंगे उसके अनुसार ये इसका अपवर्तनांक अलग अलग व्यवहार करेगा। इसी कारण से ये उसको अलग अलग कोणों पे विक्षेपित करती है, और इसी कारण से प्रकाश का क्या होता है? विक्षेपण होता है। क्लियर हुआ?
इसने रंगों में विभाजित किया और ये अलग अलग रंगों के लिए म्यू का मान डिफरेंट डिफरेंट, जिसके परिणाम सूर्य डिफरेंट डिफरेंट पथ में गमन करते हैं। अब ये कैसे होता है, तो उसके लिए एक साइंटिस्ट आए थे कोची साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो पदार्थ का अपवर्तनांक और तरंगदैर्ध्य है इसके मध्य सूत्र होता है म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा फोर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे एक संबंध दिया। ठीक है, तो लेमडा क्या है प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, म्यू क्या है अपवर्तनांक और ए बी सी है नियतांक। ए बी सी क्या है, नियतांक है प्रत्येक पदार्थ के लिए। क्लियर है, लेमडा का मान यहां पे देखो, प्रकाश के लेमडा का अपने को पता है एंगस्ट्रम में होता है, मीन्स 10^-10 मीटर में, तो 10^4 इसकी अगर 4 करते हैं, लेमडा की पावर 4 करते हैं तो इसका मान बहुत कम आएगा। ठीक है, इसका मान कम आएगा तो अपन यहां तक ही इसको लेकर चलें, और यहां ये नियतांक तो अपने पास बसता है कि अपवर्तनांक जो है वो लेमडा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब जिसके लिए लेमडा का मान ज्यादा होगा, जिस प्रकाश किरणों के लिए लेमडा का मान ज्यादा हो उसका, उसके लिए म्यू का मान कम होगा। क्लियर है, और जिसके लिए लेमडा का मान कम होगा उसके लिए म्यू का मान ज्यादा होगा। क्लियर इट, ये चीज। अब यहां पे मैं कंपेयर करूं, देखो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है, सबसे कम तंद्रे वोलेट कलर की है, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, रेड कलर की होती है। तो मैं यहां लिख सकता हूं लेमडा आर ग्रेटर देन लेमडा वी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा अपन लास्ट और फर्स्ट वाला ले रहे हैं, तो इसके अनुसार यहां पे जिसके लिए ज्यादा उसके लिए म्यू का मान कम होगा, लेस देन म्यू आर लेस देन म्यू वी। क्लियर इट, एक चीज तो ये। दूसरा, आपने एक संबंध पढ़ा था कल, लेमडा इज इक्वल्स टू ए इंटू म्यू माइनस वन, याद है, विचलन कोण और अपवर्तनांक में। तो देखो ए तो प्रिज्म कोण निश्चित है, मतलब म्यू के साथ ये क्या है, देखो समानुपाती, मीन जिसके लिए म्यू कम लेमडा कम, म्यू ज्यादा लेमडा ज्यादा, तो यहां पे रेड के लिए म्यू कम तो इसके लिए डेल का भी मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और इसके लिए डेल का मान ज्यादा। क्लियर इट, तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसके लिए विचलन कोण कम होगा, और यहां से क्लियरली देख सकते हैं अपन रेड कलर के लिए विचलन कोण इतना, देखो ये अपने मूल पद से इतनी विचलित हुई है, तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा है इसकी, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है, वोलेट कलर की बैंगनी की, तो इसके लिए जो विचलन कोण होगा वो देखो कितना ज्यादा है, देख सकते हैं आप ये यहां से यहां आ गए। क्लियर है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई, अर्थात लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग से अधिक होने से लाल रंग का विचलन कोण का मान बैंगनी से क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, ये तो इसमें सिंपल बात हुई, प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट है कोणीय विक्षेपण, इसी में है कोणीय विक्षेपण, सिंपल विक्षेपण तो अपने पढ़ लिया, कोणीय विक्षेपण बड़ा ही आसान है, एंगुलर डिस्पर्शन कि वर्ण विक्षेपण यहां पे हुआ, इसमें स्पेक्ट्रम मिला, तो इस स्पेक्ट्रम में कोई भी दो रंग ले लो, कोई भी, अपन यहां पे लास्ट और फर्स्ट लेते हैं, तो उन दो रंगों के विचलन कोणों का अंतर जो है उसी को अपन कोणीय विक्षेपण कहेंगे। क्लियर हुई कि इसमें कितना विचलन हुआ, देखो जैसे लेमडा वी है लेमडा आर है, तो इन दोनों के विचलन कोणों का अंतर है, इन रंगों का कोणीय विक्षेपण कहलाता है, इसे थीटा से दर्शाते हैं। तो अगर मैं लाल और बैंगनी रंग की बात करूं तो लाल और बैंगनी रंग के लिए थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, डेल वी माइनस डेल आर, क्या बनेगा, डेल वी माइनस डेल आर, सबसे ज्यादा विचलन इसका सबसे कम इसका, तो ऐसे लिख सकते हैं। डेल का मान इसके अनुसार क्या लिख सकते हो, तो थीटा इज इक्वल्स टू बनेगा ए इंटू, ये तो फिक्स है, म्यू वी माइनस वन माइनस ए इंटू म्यू आर माइनस वन। देखो ए कॉमन आ गया दोनों में से, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस वन, वन से वन कैंसिल आउट, तो थीटा बराबर क्या बचेगा, थीटा बराबर बचेगा ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। ये होता है किन्हीं दो रंगों का कोणीय विक्षेपण। तो कोणीय विक्षेपण क्लियर हुआ कि वर्ण विक्षेपण में दो रंगों का जो विचलन कोण है, इन विचलन कोणों के अंतर को अपन क्या कहते हैं, कोणीय विक्षेपण कहते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है
माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता, ओके, डिस्पर्जन पावर। क्या होगी वर्ण विक्षेपण क्षमता? देखो, अपने पास में जो प्रिज्म है, वो प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता, कोई भी दो रंग ले लें उस स्पेक्ट्रम से पुनः आप, और उन दो रंगों का कोणीय विक्षेपण, ठीक है, मीन्स थीटा, वह मध्य रंग। एक चीज आप हमेशा याद रखना, यहां पे एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, कंपिटिशन एग्जाम में आती है। यहां पे देखो, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ विबग्योर, ऐसे प्राप्त हुआ है विबग्योर, जी वाई ओ आर। इसमें आपको पूछ ले कि प्रिज्म से प्राप्त प्रकाश के विक्षेपण का मध्य रंग कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? देखो, आप ये कहेंगे कि तीन इधर से हटा दिए, तीन मध्य से क्या बच गया? ग्रीन। नहीं, लेकिन ग्रीन नहीं होता, गलत है। इसका मध्य रंग क्या होता है? येलो होता है। मध्य रंग क्या होता है? येलो होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो प्रकाश के विक्षेपण में प्राप्त स्पेक्ट्रम का मध्य रंग पीला होता है। क्या होता है? पीला। ये क्या होता है? मध्य या मध्य रंग होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? ओके, तो मैंने यहां पे कहा कि किन्हीं स्पेक्ट्रम के किन्हीं दो रंगों के कोणीय विक्षेपण तथा मध्य रंग के विचलन कोण का अनुपात उन रंगों के लिए प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, ठीक है। इसमें इट मीन्स थीटा, मान लो कि अपने किसी कोणीय विक्षेपण को थीटा से डिनोट करते हैं, अपॉन में डेल वाई, डेल वाई येलो, डिस्पर्जन एंगल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ येलो कलर, और ये इक्वल होगा किसके? वर्ण विक्षेपण क्षमता के। और वर्ण विक्षेपण क्षमता को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से करते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या बनेगा? थीटा अपॉन डेल वाई। क्लियर है सभी को? तो ये वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब मैं पुनः अगर लाल और वोलेट कलर के लिए लिखूं, तो डब्ल्यू बराबर बनेगा, डेल का मान लिखा तो डेल वी माइनस डेल आर, थीटा का मान रख दिया यहां से, अपॉन में डेल वाई। म्यू की फॉर्म में रखें इसको, तो ए इंटू म्यू वी माइनस वन माइनस ए इंटू म्यू आर माइनस वन अपॉन ए इंटू म्यू वाई माइनस वन। देखो, पुनः यहां से ए कॉमन आ गया, ए से कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस वन, ये माइनस माइनस प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा बराबर क्या बचता है? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वाई माइनस वन, ये बचता है। क्लियर है? तो ये कहलाती है वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो रेड और जो वॉलेट कलर है उसके लिए ये फॉर्मूला, आप किसी भी के लिए निकाल सकते हो ये वाला फॉर्मूला यूज करके। क्लियर है? तो ये आपका प्रिज्म कंप्लीट हो चुका भाई। प्रिज्म में दो घटनाएं हुई हैं, एक प्रकाश का विचलन, दूसरा प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है। इनके आधार पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप याद रखें कि स्पेक्ट्रम का जो मध्य रंग होता है वो कौन सा होता है? वो पीला होता है। कौन सा होता है? पीला होता है। क्लियर इट? नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक आता अपना प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये क्या होगा? देखो, वही श्वेत प्रकाश की अपन बात करेंगे। श्वेत प्रकाश अर्थात सूर्य का प्रकाश। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। तो ये श्वेत प्रकाश, जैसे अपने पास वायुमंडल है, उस वायुमंडल में काफी सारे गैसीय कण, धूल के कण पाए जाते हैं जिनका आकार सूक्ष्म होता है, ठीक है। जब उन पर यह श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो एक कंडीशन यह होती है कि इन सूक्ष्म कणों का आकार आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से अगर कम हो, तो उस स्थिति में यह सूक्ष्म कण इस श्वेत प्रकाश को क्या कर लेंगे? अवशोषित कर लेंगे, और फिर अपने अनुसार सभी दिशाओं में, किसी एक निश्चित दिशा में नहीं, सभी दिशाओं में क्या करते हैं? उसको फैलाते हैं, विसरित करते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो एक लाइन में अगर आप इसको कहें तो क्या कहेंगे कि जब श्वेत प्रकाश पुंज वायुमंडल के गैस के कणों पर आपतित होता है तो वह निश्चित दिशा में परावर्तित ना होकर उसी दिशा में, विभिन्न दिशाओं में,
सॉरी उसी माध्यम में विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, विसरित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रक्षेपण कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? अब ये किस प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होगा, किसका कम होगा, इसके लिए रेले नाम का साइंटिस्ट था। एक कौन था? रेले। उस रेले ने प्रकीर्णन की मात्रा कि कितना प्रकाश प्रकीर्णित होगा, या उसको कहा प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता के लिए एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा कि आई जो है, आई वो तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। उन्होंने आयाम के लिए बताया था कि आयाम तरंग दैर्ध्य के द्वितीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन हम जानते हैं आई जो है तीव्रता आयाम का क्या होती है, स्क्वायर के समानुपाती। तो उससे अपन ने ये लिखा है डायरेक्ट, ठीक है। तो रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा या प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य या प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है? और इसको कहते हैं रेले प्रकीर्णन, रेले स्केटरिंग। क्या कहते हैं? रेले प्रकीर्णन। क्लियर है? तो जिसके लिए लेमडा का मान ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, मतलब वो कम फैलेगा, और जिसके लिए लेमडा का मान कम होगा उसके लिए प्रकीर्णन ज्यादा। तो सबसे ज्यादा लेमडा आर की होती है, लाल रंग की। तो लाल रंग का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने से उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, न्यूनतम होगा, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने से उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? यह कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब इससे संबंधित कुछ अपने घटनाएं हैं जो दैनिक जीवन में अपन देखते हैं, तो उनसे संबंधित जो घटनाएं उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। पहला है आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ये प्रकीर्णन के कारण होता है। आपको देखो तीन चीजें बता दी अपन ने, एक पढ़ाया था अपवर्तन, याद होगा आपको, अपवर्तन के कुछ उदाहरण थे। एक उसके बाद आया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, याद आया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और एक अभी अपन पढ़ रहे हैं प्रकीर्णन। तो तीनों के कुछ एग्जाम्पल से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहीं से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कोई एक एग्जाम्पल दे दें, वो पूछ ले कि यह कौन सी घटना का है, अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, परावर्तन का, प्रकीर्णन का, तो उनमें से आपको एक टिक करना है। तो यहाँ पे आकाश का नीला दिखाई देना किसके कारण है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्यों होता है? देखो जैसे पृथ्वी है अपने पास, पृथ्वी के चारों ओर क्या होगा? वायुमंडल, उसमें काफी सारे गैसें होंगी, ठीक है। तो जब श्वेत प्रकाश से उस वायुमंडल के गैस के कणों पर आपतित होगा, ठीक है, तो कम तरंग दैर्ध्य वाले का क्या होगा? ज्यादा प्रकीर्णन होगा, और ज्यादा वाले का कम प्रकीर्णन होगा। तो जो लघु तरंग दैर्ध्य हैं जिनमें बैंगनी है, जामुनी है और नीला है, इनमें सबसे ज्यादा अनुपात जो होता है रंग का उस स्पेक्ट्रम में, वो नीले का होता है, ठीक है। तो यहां पे जो कम तरंग दैर्ध्य हैं उसमें सभी का प्रकीर्णन ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन नीले रंग की अधिकता होने से वो जो ये नीला, ये तीनों रंग फैलेंगे वायुमंडल में, तो नीले रंग की अधिकता होने से नीला रंग प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचता है, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि जो प्रेक्षक की आंखें हैं वो नीले रंग के लिए अधिक संवेदनशील होती हैं, तो उनको लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन नीले रंग का दिखाई देता है, जिसके परिणाम स्वरूप नीले रंग की किरणें यहां प्रेक्षक तक पहुंचती हैं और आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला। क्लियर हुई बात है? अगर यह क्वेश्चन आए कि वायुमंडल ना होता, वायुमंडल ना होता तो कोई भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, और कोई भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई दे सकता था? काला। और काला दिखाई देता तो उस स्थिति में हो सकता है अपने को दिन में भी तारे दिखाई दे सकते थे। क्लियर है? क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। इसी कारण चंद्रमा पर अपन जाएं तो अपने को ब्रह्मांड आसमान कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल है सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना,
सूर्य का लाल दिखाई देना। एक एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा था, याद हो आपको, कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो लाइट है सूर्य का थोड़ा और दिखाई देना क्यों होता था, याद है क्यों होता था? अपवर्तन के कारण। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, वो अपवर्तन के कारण था, ये प्रकीर्णन के कारण है। क्लियर हुई बात है? तो लाल क्यों दिखाई देता? देखो, ये मान लो पृथ्वी है और ये पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर और ये पृथ्वी का क्षितिज। तो एक स्थिति में तो मान लो सूर्य यहां है, क्षितिज है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज स्थिति में होता है, और जब दोपहर का समय होता है तब ये ऊर्ध्वाधर होता है। तो जब ये क्षितिज होता है तो यहां से जो प्रकाश किरणें निकलेंगे उनको इसकी तुलना में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, और जब ज्यादा दूरी तय करेगा तो यहां से जो श्वेत प्रकाश निकलेगा तो वायुमंडल में उसका क्या होगा? प्रकीर्णन। क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। तो अपने को पता है कि जिसकी तरंग दैर्ध्य कम है उसका प्रकीर्णन ज्यादा, मीन्स वायुमंडल में ज्यादा फैलेगा, और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है उसका प्रकीर्णन कम, अर्थात वो कम फैलेगा। तो यहां पे लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे ज्यादा। इसलिए मैं कहूंगा कि इसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। प्रकीर्णन कम होगा, इसका मतलब यह है कि वायुमंडल में कम फैलेगा, और वायुमंडल में कम फैलेगा तो फैलेगा नहीं तो एक सीधी रेखा में ज्यादा दूरी तक गमन करेगा, और ज्यादा दूरी तक गमन करेगा तो यहां जो प्रेक्षक खड़ा है उसके पास में जो कलर्स पहुंचेंगे बाकी सभी का तो क्या हो जाएगा? फैलाव, प्रकीर्णन हो जाएगा वायुमंडल में, लेकिन लाल रंग जो है वो लास्ट तक पहुंचता है। इसीलिए अपने को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल, क्योंकि यहां पे इस समय केवल लाल प्रकाश किरणें ही प्रेक्षक तक पहुंच पाती हैं और लाल रंग का दिखाई देता है। क्लियर हुआ? तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देगा? इसी से संबंधित है कि जो निशान होते हैं, संकेत होते हैं, खतरे के संकेत हैं या और कोई संकेत हैं, वो लाल क्यों होते हैं? तो खतरे के संकेत या जो अवरोध के होते हैं, रुकावट के, स्टॉपेज के, वो क्या होते हैं? लाल होते हैं। तो संकेत का लाल होना यही कारण है कि उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम। प्रकीर्णन कम होने से वह अधिक दूरी तक दिखाई देता है, जिससे कि खतरा अधिक दूरी तक अपन उसको देख सकते हैं और उसे सचेत हो सकते हैं। तो ये प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है? संकेत लाल रखे जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है बादलों का सफेद दिखाई देना। नेक्स्ट है बादलों का सफेद दिखाई देना, कि जो पानी के बादल होते हैं वो सफेद क्यों दिखाई देते हैं? देखो, ये भी प्रकीर्णन के कारण है। तो क्या होगा? पानी के जो बादल हैं इसमें धूल के कण पाए जाते हैं, मोटे धूल के कण, और मोटे पानी की बूंदें पाई जाती हैं, और ये पानी की बूंदों का आकार आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से ज्यादा होता है, और आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से ज्यादा होगा तो उस स्थिति में मैं कहूंगा कि ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, या मैं कह सकता हूं कि जो प्रकाश है उस सभी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन एक समान रूप से होता है, और जब एक समान रूप से प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो सभी प्रकाश किरणें, जो जितनी भी प्रकाश किरणें हैं, वो सभी प्रेक्षक तक समान रूप से पहुंचती हैं। क्लियर है? और सभी प्रकाश किरणें समान रूप से पहुंचेंगी तो वापस जाकर वो क्या मिल जाएंगे? सभी मिलेंगी, मिलेंगी तो सारी प्रकाश किरणें जब मिलती हैं तो क्या होता है? सफेद दिखाई देता है। क्लियर है? तो ये आपके पास में बादलों का सफेद होना दिखाई देता है। क्लियर हुआ? तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रिज्म कंप्लीट हो चुका, प्रकाश का प्रकीर्णन कंप्लीट हो चुका। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है? वीडियोस अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो इन्हें आप लाइक करते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें ताकि सभी को लाभ पहुंच सके। ओके, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउटों को आप ही क्लियर करें। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।